हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है प्रिंस और सिंपल समर टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मेरे पास है LNV। आपको पता कैसे चलेगा कि LNV खराब है या सही है? देख सकते हैं मेरे पास दो तरह की LNV है, एक जो फूटा हुआ है। कितने लोगों का सवाल होता है कि मेरा जो ये LNV टूट गया है वो सही है खराब है, चेंज कर देते हैं बिना जाने हुए। और ये भी मेरे पास LNV है, तो आज मेरे पास दो LNV है। चलिए हम दोनों को चेक करते हैं और इसको इस मीटर के जरिए, इस मीटर की सहायता से मैं बताऊंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो LNV है वो खराब है कि सही। तो वीडियो में बने रहें और चलते हैं वीडियो। दोस्तों अभी जो है मैं पुराना वाला LNV उसे मैं खोल ले रहा हूँ। अभी जो है आप देख सकते हैं कि मैं इसे जो है खोल लिया हूँ और हमें जो है वो छतरी ये पहले से DD-3D इस पर सेट हुआ है और इसे जो है मुझे छेड़छाड़ नहीं करना है, मुझे LNV की टेस्टिंग बतानी है आपको। अभी जो है मैंने इस सेटेलाइट फाइंडर को मैं जो एज ए रिसीवर यूज़ कर रहा हूँ कि ताकि इसमें जो सिग्नल आए तो हमें पता लग जाए। और इस वाले सेटेलाइट से हमें ये पता चलेगा कि LNV है, इसे भी पता चल जाएगा कि LNV ख़राब है या नहीं। पर इससे हमें इसलिए पता करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ताकि कितने लोगों के पास ये वाली जो है ये मीटर रहता है और इससे इनको पता नहीं होता है कि हम कैसे मालूम करें जो हमारा मीटर जो है सेटेलाइट फाइंडर हमारा जो LNV है वो ठीक है या नहीं। तो मुझे जो है इसे आपको बताना है और इससे भी आपको बता दूंगा कि कैसे जो है पता करें कि LNV ख़राब है या नहीं। और अभी मैं है इसको ले लिया हूँ, ये इस सेटेलाइट फाइंडर को रिसीवर में कनेक्ट किया हूँ। ये LNV है और LNV की तरफ जो है मैं जो है LNV में अभी कनेक्ट करके आपको दिखा रहा हूँ। पहले जो है ये मेरे पास ये वाली LNV है, तो चलिए मैं इसे LNV को इस वाले पॉइंट पे फिटिंग करता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये LNV सही है या नहीं और इस पर सिग्नल आ रहा है कि नहीं। अभी जो हुआ है वो आ गया है और अब चलते हैं हम इस LNV की तरफ। जो है दोस्तों चलते हैं हम इस LNV की तरफ। देखिएगा यहाँ पे है 16-17 और ये दिखा रहा है एक। इसे जो है हम थोड़ा सा और बढ़ा ले रहे हैं, आप देख सकते हैं इसको जो है मैंने 2 पे कर दिया है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। और अब जो है ये वाली मैं LNV कनेक्ट कर रहा हूँ, मैं आप देख सकते हैं इसे कनेक्ट करते हैं हमें कैसे पता चला कि ये जो ठीक है। इस पर जो है 40 के करीब, 40 के ऊपर यानी 14 से ऊपर ये 54 ऐसा कुछ दिखा रहा है, यानी ये जो LNV है वो सही है। इसमें आप देख सकते हैं या तो ये पहले से जो है 2 से कम हो जाता है या फिर ये बढ़ जाता है, तो हमारा जो LNV है वो सही है। अभी मैं इसको अच्छे से फिटिंग कर दिया। एक और तरीका होता है, पहले मैं इसको बंद कर लूँ। एक और तरीका होता है ये जो है, इसको आप जैसे LNV कनेक्ट किया तो 8 पे आ गया और इसे जो है ऐसे कर सकते हैं और जैसे मैं इस पे हाथ दूंगा या तो ये कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। ये वाली सेटेलाइट मीटर में देखिए ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो इससे हमें पता क्या चला कि ये जो है LNV वो सही है। ये दोनों सेटेलाइट फाइंडर से आपको पता चल गया। चलिए मैं इसको सिग्नल जो है वो सिग्नल देके दिखा दूँ ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ LNV ये सही है। अभी जो है आप देख सकते हैं इसमें जो है वो 54 है और इसमें जो है वो 7, इस जो मीटर में है इसमें आप देख सकते हैं ये जो है 7-8 के करीब है, ठीक है दोस्तों। और अभी जो है मैं इसको पहले से सेट है इस पर डाल दिया, आप देख सकते हैं मीटर का भी आवाज़ बढ़ गया और इसमें भी जो है वो 65 का सिग्नल जो आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो इसे हमें ये जो LNV है वो आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ जो है हमारा LNV ये वाली सही है। चलिए मेरे पास एक दूसरा भी है, उसे मैं चेक करके आपको दिखा दूँ। अब जो है मेरे पास ये दूसरा LNV है, इसको भी बता दूँ मैं कैसे चेक हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें जो है ये 20 के करीब दिखा रहा है और इसमें जो है मैं पहले से ही दिखा दूँ, यहाँ पे मैं 2 थोड़ा कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, सॉरी ये थोड़ा केबल गिरा हुआ है। इसे जो है मैंने 2 पे कर लिया, ठीक है। अब देख सकते हैं ये जो कांटा है वो 2 पे है, अब देखिए ये जो कांटा है वो 2 पे है और जो आते हैं इस LNV की तरफ, और इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। अब देखिए इसमें कोई जो है वो हलचल नहीं हो रहा है, ठीक है दोस्तों, इसमें भी कोई हलचल नहीं हो रहा है और ये जो है ये LNV पूरी तरह ख़राब है। आप ये डिजिटल जो है इस मीटर में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 17-18 है और इसमें भी है वो, कोई इसमें जो है पॉइंट भी बढ़ावा नहीं हो रहा है। इसको मैंने पूरे फुल पे कर दिया फिर भी जो है ये अब नहीं बढ़ रहा है, तो इससे हमें पता ये चला कि ये वाला जो है LNV ख़राब है, आप देख सकते हैं। और इसे खोलते ही ये जो है बीप की आवाज़ वो आएगा,
देख सकते हैं दोस्तों, इसे मैंने फिटिंग किया इसके साथ और ये एलन भी खुला हुआ था, तो भी कोई अंतर नहीं पड़ा इस मीटर पे, और इसे मैं खोल भी दी तो भी कोई अंतर नहीं पड़ा। तो ये वाली जो मीटर है इसे मैं इसमें भी लगा कर देखूँगा सेटेलाइट में, तो भी सिग्नल जो है वो नहीं आएगा। चलिए वहाँ पे भी मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। और जो है आप इस एलन भी देख सकते हैं, ये जो सिग्नल है वो नहीं बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है कि जो हमारा सेटेलाइट एलन भी है वो ख़राब है या नहीं। आप इस वाले मीटर में भी देख सकते हैं कोई भी बीपिंग आवाज़ नहीं आ रही है, और यहाँ पे भी हाथ देने पे भी कोई नहीं आ रहा है। हाथ देने पे आपका जो मीटर का ये वाला कांटा है वो बढ़ेगा, तो आप समझिएगा कि ये वाली जो एलन भी है वो सही है। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका किसी तरह का भी कोई सवाल होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।